सुजानगढ़ के श्री सिद्धि गणेश मंदिर में 5 दिवसीय गणेशोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। प्रथम दिवस पर मंगलवार को मूर्ति स्थापना के बाद आरती हुई और पूजा में मुख्य यजमान गिरधारी लाल जांगीड़ा आनंदी देवी, अरविंद सोनी, गिनिता देवी को पंडित सोमदत्त दादीश ने पूजा अर्चना संपन्न करवाई। कार्यक्रम को सफल बनाने में मंदिर के पुजारी मोडाराम स्वामी, मदनलाल भामा, नंदकिशोर स्वामी, लोकेश, राहुल, प्रियदर्शी, सुरेश अरोड़ा, गोपाल सोनी, रमेश स्वामी आदि लगे हुए हैं। अरविंद सोनी ने बताया कि 9 सितंबर को भजन संध्या होगी, 10 सितंबर को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक दुग्धाभिषेक होगा, दोपहर में जन्मोत्सव और आरती होगी, 11 सितंबर को हवन और मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम होंगे। श्री सिद्धि गणेश सेवा समिति द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 5 दिवसीय गणेश महोत्सव का आगाज आज मूर्ति स्थापना के साथ हुआ। पंडित सोमदत्त शास्त्री ने पूजा करवाई। कल 7 तारीख और कल 8, 9 तारीख रात्रि को एक जागरण होगा जिसमें संतों के द्वारा भजन प्रस्तुति दी जाएगी। 10 तारीख को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक दुग्धाभिषेक होगा। 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और महाआरती होगी। 5 दिवसीय कार्यक्रम होगा। 11 तारीख को हवन, पूजन और उसके बाद में सूक्ष्म रूप से विसर्जन किया जाएगा। सभी से हमारा आग्रह है, कोरोना गाइडलाइन देखते हुए संयम से आएँ, सावधानी से आएँ, सभी मास्क लगाकर आएँ और एकदम सावधानीपूर्वक ही गणेश जी महाराज से प्रार्थना करें कि इस महामारी से मुक्ति दिलाएँ। शहर में डेंगू और मलेरिया की संभावना जताते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के पदाधिकारियों व सदस्यों ने उपखंड अधिकारी के नाम तहसीलदार गोविंद राम बगड़िया को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि डेंगू और मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियों की संभावना को देखते हुए शहर में सार्वजनिक स्थानों पर धुआं करवाया जावे। इसी प्रकार जल जमाव वाले क्षेत्रों में मच्छर मारक दवाओं का छिड़काव करवाए जाने की मांग भी की गई है। ज्ञापन सौंपते वक्त तेजपाल गोदारा, कॉमरेड राम नारायण रोलानिया, एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, नगेंद्र जाट, जितेंद्र भार्गव, महबूब बड़गुजर, मोहम्मद जिलानी सहित अनेक लोग मौजूद। जलदाय विभाग की टीम अवैध कनेक्शनों के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है। टीम प्रभारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 2 दिनों में करीब 150 घरों का सर्वे किया गया है और 7 अवैध कनेक्शन काट दिए गए हैं। टीम के सदस्य नानूराम, हुक्मीचंद, सोहन सिंह, सुरेश, महेंद्र, शंकर सेन आदि ने यह कार्रवाई की और बिना नल के 25 लोगों को कनेक्शन पाए जाने पर नोटिस जारी किए हैं। वहीं सर्वे के दौरान बिना फाइल जमा करवाए 10 अवैध कनेक्शन भी सामने आए हैं। सुजानगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र की 10 वर्षीय बालिका के साथ ज्यादती के मामले में आरोपी को फांसी की सजा देने के लिए मामले की फास्ट ट्रैक अदालत से सुनवाई करवाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, श्री सेन भक्त मित्र मंडल व जन सहयोग सेन समाज सेवा संगठन भारत के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने गांधी चौक से रैली निकाली। रैली के दौरान पीड़िता का वास्तविक नाम पुकार पुकार कर नारे लगाए गए जो कहीं न कहीं अपने आप में कानून के खिलाफ था। दूसरी ओर पीड़िता के वास्तविक नाम का ही पोस्टर लिए रैली में लोग चल रहे थे। सभी ने ADM कार्यालय में पहुंचकर रीडर को ज्ञापन सौंपा और राज्यपाल से मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने व दोषी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। ज्ञापन सौंपते वक्त जन सहयोग सेन सेवा संगठन भारत के स्थानीय अध्यक्ष गोविंद गहलोत, ABVP के जिला संयोजक राहुल सामरिया, नगर मंत्री अर्पित सेन, कमल मोयल, बेगराज नाई, छोटूलाल मोयल, दिलीप मोयल, दिलीप गोठड़िया, वीरेंद्र गहलोत, जगदीश गहलोत, मुकेश गहलोत, अमन सोनी, लक्ष्मण गहलोत, जगदीश चायल, जगदीश साकड़, कन्हैयालाल जाखड़, दिनेश डोंगवाल, ओम प्रकाश टाक, दुर्गाराम गहलोत, मनोज कुमार सेन, गौतम गहलोत, सागरमल, पवन कुमार आदि लोग मौजूद रहे। दूसरी ओर ABVP के जिला संयोजक राहुल सामरिया ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि इसके साथ ही सीकर के धोद में एक छात्रा के साथ पुलिस कर्मी द्वारा ज्यादती किया जाना रक्षक के भक्षक बन जाने जैसा है। आपको बता दें धोद के मामले में परिवादिया द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयानों में इसकी पुष्टि नहीं की गई है जिसके समाचार भी समाचार पत्रों में छपे हैं। जबकि सुजानगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र की बालिका की पहचान उजागर करने और उसके नाम से नारेबाजी करने के सवाल पर मीडिया द्वारा पूछे जाने पर कोई जवाब सामने नहीं आया। आप भी देखिए क्या है परिषद टीम व सेन समाज द्वारा व सर समाज द्वारा आज सभी ने मिलकर आज एक ज्ञापन दिया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि जो घटना हुई है हफ्ते भर पहले हालांकि आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। हम ये मांग करते हैं मुख्यमंत्री महोदय से कि अति शीघ्र से शीघ्र फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंतर्गत मामला चले और फांसी की सजा इनको सुनाई जाए जिससे आगामी ऐसी घटनाओं पर रोक लगे और महिलाओं व बहनों के साथ में ऐसी घटनाएं होने से बचे। अभी पीछे ही सीकर के धोद गांव में पुलिस के द्वारा जो घटना घटित हुई है, जो छात्रा के साथ में जो बलात्कार हुआ है, ऐसी स्थिति में
आज की स्थिति में रक्षक भक्षक की बन रहा है, तो हम मुख्यमंत्री महोदय से कहते हैं थोड़ा ध्यान दें और फांसी की सजा हो इस आरोपी को भी और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंतर्गत मामला चले। दौद की पीड़िता ने तो बयान दिया कोर्ट में, उसके साथ कोई अत्याचार नहीं। समाचार पत्र में पढ़ने में आया था कि दौद के अंदर ऐसी घटना हुई है, तब हमने ये कहा है कि भी ऐसी घटना हुई है तो जो पीड़िता है उसका नाम उजागर आप लोगों ने किया है ज्ञापन पर, पोस्टर पर नाम लिखा, उसके नाम से नारे लगाए हैं, कहीं ना कहीं ये गैरकानूनी नहीं है क्या पीड़िता का नाम उजागर करना? सर हमने उनसे मिले हैं पीड़िता से, तो आप लोगों ने भी उसका नाम ले लेकर नारे लगाए हैं, तो पीड़िता का नाम उजागर करना कहाँ तक कानूनी है?